दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुखी होंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और आज है वट सावित्री। तो दीपिका जी आज पूजन करने शीतला माता के मंदिर जाएंगी। वहाँ वट वृक्ष है, विशाल वट वृक्ष, तो उसके पूजन करेगी और वहाँ और भी महिलाएँ पूजन करेंगी, तो उस सब का वीडियो मैं आपको दिखाऊँगा, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं माँ शीतला मंदिर, अब हम पूजा करेंगे तो आपको भी दिखाते हैं पूजन का कार्य। तो दोस्तों कुछ इस तरह का नज़ारा है सुबह सुबह का शीतला माता मंदिर में। ज़्यादा भीड़ नहीं है दोस्तों, क्योंकि सुबह का समय है, 6:30 बज रहे हैं अभी, और महिलाएँ आई हुई हैं क्योंकि उनका व्रत है अपने पति के दीर्घायु के लिए। सभी माताएँ बहनें ये व्रत करती हैं, देख सकते हैं वृक्ष, ये है वो विशाल वट वृक्ष, आप देख सकते हो कितना विशाल है, बहुत प्राचीन है ये वट वृक्ष। तो इस पर पूजन कार्य कर रही हैं, तो अब दीपिका जी को तो यहाँ समय लगेगा, तो हम पास के पार्क में होकर आते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये है नेहरू पार्क, आप देख सकते हो यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, चलिए अंदर देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरफ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये इस तरफ अगर आप देखेंगे तो बच्चों के खेलने के लिए स्लाइडर, झूले वगैरह सब लगाए गए हैं, ये देख सकते हैं आप। और उधर आगे भी बहुत सारे व्यायाम करने के लिए सामान लगे हुए हैं, मशीनें लगी हुई हैं, आप आगे देखेंगे। और ये देखिए नज़ारा, हरी हरी घास पर ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्हें क्रिकेट खेलना पसंद है, सुबह सुबह अच्छा लगता है, आना चाहिए। तो कुछ इस तरह का माहौल है। मोरु शुरू हो जातिस माया की कहानी, एक गांव तो मोर कोती देख ले तेरानी, एक गाँव तो मोर कोती देख ले तेरा ने, मैं हो गया दीवाना ते बन जा मोर दीवानी, एक गाँव तो मोर कोती देख लेना रानी। तो दोस्तों देख सकते हो इधर बच्चे चेस खेल रहे हैं, शायद कुछ कंपटीशन वगैरह हो रहा है, तो ऐसा है माहौल, आप देख सकते हैं शतरंज खेल रहे हैं बच्चे, बहुत सुंदर है दोस्तों, आना चाहिए पार्क में। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं नेहरू पार्क में, जो कि माता शीतला मंदिर के पास ही है, और यहाँ पर भिनी देखिए वो झूला झूल रही है, बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का, अच्छा माहौल है, यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं आप देख सकते हो, और भी जो लोग हैं एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, अच्छा है, सुबह सुबह आना चाहिए पार्क वगैरह में, यहाँ के आसपास के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। चलो ना, मम्मी पूजा कर रही, वहाँ चलते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं मंदिर के पास, टहलना था जितना पार्क में हमने टहल लिया है, तो चलते हैं मंदिर के पास और देखते हैं पूजा कितना हो चुका है दीपिका जी का, है ना, आपको भी दिखाते हैं पूजन का दृश्य, चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो आप महिलाएं कितने उत्साह में भर कर पूजा कर रही हैं, और दीपिका जी भी पूजा कर रही हैं, पूजा कर रहे हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है, अमावस्या के दिन ही पूजा किया जाता है, और महाराष्ट्र या और कुछ अन्य क्षेत्रों में पूर्णिमा में किया जाता है ना, तो उनके लिए 3 जून में पूजा करेंगे महाराष्ट्र और कुछ अन्य जगहों पर, बाकी देश में अमावस्या के दिन ही पूजा किया जाता है वर्षा ऋतु का। तो ये आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पूजन छत्तीसगढ़ में अमावस्या तिथि में ही होती है, और यहाँ पर ज़्यादा
कठोर व्रत नहीं रखा जाता है। यहाँ से आप पूजन करके जाकर ब्राह्मण को अगर भोजन करा सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो उनको दक्षिणा देकर शाम को आप व्रत खोल सकते हैं। और चाहें तो दिन में भी जो उपवास में आहार लेते हैं वो आप ले सकते हैं। तो इस तरह का है, यहाँ पर इतना कठोर नहीं है छत्तीसगढ़ में। देखिए ये दीपिका जी कच्चा धागा बोलते हैं इसे बांध रहे हैं, देख सकते हो आप। तो इस प्रकार सभी महिलाएं करती हैं अपने पति के दीर्घायु के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। हमारी भारतीय महिलाएं बहुत श्रद्धा और विश्वास है उनका कि यह व्रत रखने से उनके पति की आयु लंबी होगी। कितनी इसमें सच्चाई है वो तो पता नहीं, पर ये आस्था और श्रद्धा का विषय है। इसमें किसी को कुछ भी कमेंट करना ठीक नहीं होगा, जिनको उचित लगता है उसे करना ही चाहिए। लोग कुछ भी टिप्पणी करते हैं पर हम नहीं करना चाहेंगे, करना चाहिए इसमें, लेकिन स्वेच्छा होना चाहिए। कभी भी दबाव डाल के किसी से व्रत नहीं कराना चाहिए। व्रत कोई सा भी हो, वो अगर स्वयं की इच्छा से हो तो वही फलदायी होता है। और अगर अपन किसी पर दबाव डालेंगे कि करना ही होगा तो वो गलत है, उसे फिर फल नहीं मिलता। तो दबाव डाल के कभी भी किसी से कोई भी व्रत नहीं कराया जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये महिलाएं सभी हैं, ये स्वेच्छा से व्रत कर रही हैं और बड़ी प्रसन्न होकर, बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ, पूरे भरोसे के साथ, भगवान पर इनको बहुत विश्वास है। ये व्रत रखने से इनकी पति की आयु लंबी होगी, इसका इनको बहुत ही गहरा विश्वास है। भगवान इनकी विश्वास को कायम रखे और इनकी सभी की मनोकामना पूर्ण करे, यही हमारी शुभकामनाएँ हैं। तो दोस्तों देखिए और आनंद लीजिए, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। इस तरह श्रद्धा से भरे हुए महिलाओं को पूजन कार्य करते हुए देखना एक अलग ही सुख है, इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। ऐसे कहीं पर पूजन होता है तो अवश्य जाकर इस दृश्य का, इस मनमोहक दृश्य का क्या कहना चाहिए, अपनी आँखों को इस दृश्य को देखने का सौभाग्य देना चाहिए हर व्यक्ति को। बहुत ही सुंदर दृश्य है, अच्छा लगता है ऐसे जब हमारी माताएं बहनें ऐसा कोई व्रत स्वेच्छा से करती हैं, बहुत सुंदर लगता है। यही हमारी भारतीय परंपरा है, व्रत उपवास ये सारी परंपराएं, यही तो हमारी संस्कृति है, यही कल्चर है। और देखना है ये कल्चर कब तक रहता है, क्योंकि नई पीढ़ी से अपन ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, है ना। पुराने ज़माने से लोग करते आ रहे हैं और कर भी रहे हैं, आज की लड़कियां भी कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते हैं, पर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। कुछ लोग इसे अंधश्रद्धा मानते हैं, उनका ऐसा मानना है कि ऐसा कुछ होता नहीं, जो होना लिखा है वो तो होकर ही रहता है। व्रत उपवास से किसी की आयु बढ़ नहीं सकती, ऐसा कुछ तार्किक महिलाओं का ऐसा मानना है, महिलाओं क्या पुरुषों का भी मानना है, तो नहीं करते हैं कुछ लोग, कुछ लोग गिनती के लोग हैं, नहीं तो अधिकांश जो हिंदू धर्म की महिलाएं हैं वो तो करती ही हैं, चाहे फल जैसा भी मिले पर वो करती हैं। प्रत्येक वर्ष अपने पति की दीर्घायु के लिए वो व्रत करती ही है, तो अच्छी बात है, करना ही चाहिए। जो व्यक्ति आसपास मंदिरों में नहीं जा सकते तो वह घर पर भी कर सकते हैं, ऐसी बहुत सुविधा है इस व्रत में। वट का जो पत्ता होता है बोलते हैं, वो लेकर आप घर में आ जाइए और बाल्टी में डालकर भी पूजा कर सकते हैं, ऐसा कुछ लोग बताते हैं। तो बहुत ही आसान है, बस श्रद्धा होनी चाहिए आपके अंदर करने की,
तो आप कर सकते हैं घर पर भी और मंदिर में जाकर भी, जहाँ भी वट वृक्ष हो। वट वृक्ष का इस पूजन में विशेष महत्व है, वो होना चाहिए, है ना। जहाँ वट वृक्ष है वहाँ जाके ही करना है, या तो उसका कुछ भी अवशेष पत्ता या जड़ कुछ भी लेकर आप आइए बंगाली, और उसे बाल्टी में डालकर आप पूजन कार्य करिए, पर उसकी मौजूदगी होना जरूरी है। तो कुछ इस तरह का नियम रहता है इस व्रत में। अच्छा लगता है दृश्य देखकर, सुबह सुबह सभी महिलाएं पूजन कार्य करती हैं अपने पति के लिए। ये पूरा शाम तक करते रहेंगी सब अपनी सुविधा से, ऐसा नहीं है कि सुबह ही जाकर करना है, जिसको जब समय मिले कर सकते हैं, शाम से पहले तक कर लो, सुबह जाओ दोपहर में या शाम के 4 बजे तक कर लेना चाहिए। अमावस्या तिथि जब तक है, जब तक ये वट सावित्री के पूजन का जो समय है उस मुहूर्त में आपको ये अपनी पूजन कर ही लेना चाहिए। तो ये तो थी जानकारी हमारे छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से होता है। बहुत ही सिंपल ढंग से होता है पूजा यहाँ पर। ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, तामझाम नहीं है, बहुत कठोर नियम इस व्रत में छत्तीसगढ़ में नहीं है। चलिए दोस्तों, अब पूजन कार्य तो हो गया है, और ये देखिए बूढ़ा सागर ये शीतला मंदिर के तट पर है स्थित। तो दोस्तों, पूजा हो चुका है और अब हम अपने घर जाएंगे, लेकिन अभी जो चावल लेकर आए हैं वो गरीबों को दान करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। हमने कोशिश की अपने तरफ से, जितना मैं दिखा सकता था मैंने दिखाया है, पर शायद बहुत कुछ छूट गया होगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप लोगों ने मेरा वीडियो पूरा देखा, उसके लिए दिल से धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।